तो आप हमें अपना शिष्य बना लेंगे दादाश्री। किंतु तुमने अभी तक हमें ये तो बताया ही नहीं कि तुम बनना क्या चाहते हो। मैं दादाश्री भीमसेन के भांति महावीर और पिताश्री घटोत्कच के भांति महाबली बनना चाहता हूं दादाश्री। मैं ऐसा महाबली व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे कोई सेना भी परास्त ना कर सके। शारीरिक बल मनुष्य के लिए अनिवार्य व आवश्यक है वत्स, किंतु ना तो वह अपने आप में संपूर्ण होता है और ना ही किसी को संपूर्ण बनाता है। संपूर्ण तो मनुष्य केवल उसी समय होता है जब उसके पास शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी हो, क्योंकि शारीरिक बल तो उसे केवल अपने जैसे व्यक्ति से लड़ने की शक्ति देता है, किंतु मनोबल उसे परिस्थितियों से लड़ने व उन्हें बदल देने तक की शक्ति देता है वत्स। दादाश्री, आपके पास किस चीज की कमी है? आप चाहें तो किसी को भी बल और मनोबल दे सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास शीश नवाने आया हूं। तुम्हारे जैसा पराक्रमी और बुद्धिमान शिष्य पाकर मैं भी अति प्रसन्न होता वत्स, किंतु यह समय बड़ा दुर्लभ है। क्यों दादाश्री? तुम्हारा कुल इन दिनों बहुत पीड़ित है वत्स, देश बंटवारे की कगार पर खड़ा है। दुर्योधन अपने ही भाइयों को उनके अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है। दादाश्री, हम आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने वत्स। ये प्रश्न हर युग में हर पीढ़ी अपने पूर्वजों से पूछेगी कि लोग आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हर युग में एक ना एक दुर्योधन अवश्य होगा जो अपने अहम और अपनी हठधर्मी को ही अपना धर्म समझने लगेगा। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अंत में विजय धर्म की ही होती है। ज्ञान है वत्स, किंतु वो आरंभ को ही अंत समझता है। पर यह भ्रम तो एक दिन टूट जाएगा दादाश्री, जब दादाश्री दुर्योधन को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि धर्म उनकी हट नहीं, धर्म तो न्याय है और अंत में विजय धर्म की ही होती है। जब तक धर्म की विजय नहीं हो जाती वत्स, तब तक उसे अधर्म से लड़ना ही पड़ता है, उसकी शक्ति को झेलना ही पड़ता है, और तुम्हारा कुल अभी वही सब झेल रहा है। दादाश्री भी यही कहती हैं कि दादाश्री दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं। महत्वाकांक्षा अश्व की भांति होती है वत्स, यदि उसके मुंह में सहनशीलता की लगाम न डाली जाए तो वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा भी उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, और उसे नियंत्रण में लाने के सिवा हमारे पास कुछ और सोचने के लिए समय ही नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं दादाश्री कि समय के अभाव के कारण आप हमें अपना शिष्य नहीं बना सकते? समय का अभाव केवल एक कारण है वत्स, दूसरा कारण कुछ और है। वो क्या दादाश्री? जिस बल और शक्ति की तुम्हें कामना है वत्स, वो तुम्हारे कुल और समाज के काम भी आ सकती है, किंतु उस बल और शक्ति का स्रोत कहीं और है। कहां दादाश्री? वो शक्ति और बल तुम्हें हमारे सिवा केवल ब्राह्मण गुरु विजय सिद्ध से ही नहीं दे सकते। मैं उनके पास जाऊंगा दादाश्री, मुझे बताइए वो कहां रहते हैं। यहां से दूर पूर्व देश के गुप्त क्षेत्र में विराजते हैं वो, उनके पास जाओ, उनसे हमारा प्रणाम कहना और उन्हें बताना कि हमने तुम्हें किस आवश्यक कार्य से उनके पास भेजा है।
वे तुम्हें वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जिसकी तुम्हें मनोकामना है। मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा दादाश्री। इस मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, किंतु एक बात याद रखना वत्स, अपनी मनोकामना को किसी के लिए संकट न बनने देना। और अब रही गुरु दक्षिणा की बात, तो वो ऋण समय आने पर। देखा, मैं ना कहती थी केवल केशवी तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान का ऐसा कौन सा मार्ग है जो इनके चरणों से आरंभ नहीं होता। इनके बताए हुए मार्ग पर चलो, सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। किंतु तुम्हारी दादी श्री को तुम्हारी याद बहुत आएगी। दादी श्री, मैं बहुत शीघ्र ही लौटाऊंगा। नहीं पात्र, मेरे कारण अपनी शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना। शिक्षा पूरी करके ही तुम अपने कुल और समाज की सेवा कर सकते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे लिए तुम्हारे जैसा एक और पौत्र भेज दे। आयुष्मान भव। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम्हें महावीर और महाबली बनाए। गुरु ही दिखलाता सदा नए ज्ञान की राह। हरि समान गुरु जब मिले शेष रहे क्या चाह, शेष रहे क्या चाह।